तो फाइनली मुझे एक रेस्टोरेंट मिल गया। मैं बाहर आ गई और मेन रोड मुझे मिल गया। एक्चुअली मैं थोड़ा डर गई थी कि क्या होगा, बड़ा जंगल जंगल था और कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा था, बट पूछ पूछ के मैं निकल गई मेन रोड पे। एंड यहाँ पे कुछ खाते हैं, देखते कि कैसा है लोकल रेस्टोरेंट में, और खाते पीते हैं अच्छे से और फिर ऊपर निकलते हैं और जाके रूम पर रेस्ट करेंगे। ओके तो खाना वाना खा के फिर अभी मैं आई हूँ हिडिंबा टेम्पल। जस्ट उसके बाहर ही ढाबा था एक छोटा, तो वहाँ पर मैंने खाना खाया और अभी हिडिंबा टेम्पल में आई हूँ अंदर। और यहाँ पर बहुत सारे मतलब लोकल्स हैं जो एंटरटेनमेंट वगैरह कर रहे हैं। आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। एक्चुअली इनकी ना इनकम ही इसी से होती है, तो अगर आप लोग भी ना ऐसे टूरिस्ट प्लेस पे जाते हो ना, तो इन लोगों को हेल्प कर दिया करो, क्योंकि इनकी इनकम ही उसी से होती है, तो 5-10 से आपका कुछ कम नहीं होगा। काफी ज्यादा रश है यहाँ पर, याक है। याक में ले लो ना, करिए इकट्ठा करिए, कथा हो गए। मुझे एक्चुअली पता नहीं, अच्छा नहीं लगता ऐसे लोग फोटोज वगैरह निकाल रहे हैं, लेकिन उस जानवर को इतनी तकलीफ हो रही है, मतलब लिटरली उसके नाक में से वो रोप डाल कर। और यहाँ पे सब लोकल वेंडर से नहीं। यहाँ पे देखो कितने अच्छे अच्छे लाइव पेंटिंग करके सब दे रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। ये देखो बनी, स्टार्टिंग में एक्चुअली मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया, मैं जब आ रही थी तो एक बनी था आंटी के पास में, उन्होंने मेरे हाथ में ही दे दिया। वो इतना सुंदर था, इतना मस्त था बनी। यहाँ पे स्ट्रीट फूड भी लगाया हुआ है इन्होंने, ये छोटे बच्चों के लिए काफी अच्छी अच्छी चीजें हैं। लाइव पेंट कर रहा है। हाँ सेम लिखा था। देखिए कितना सुंदर है। ओके तो ये सारी तो मैंने बाजू की चीजें दिखा दी। ये है मेन हिडिंबा टेम्पल। यहाँ पे भी रश काफी ज्यादा है, मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट टाइम आऊँ मैं फिर दिखाऊँ। यहाँ पे कुछ चेरीज वगैरह बेचते हैं। वाह कितना क्यूट है, हाथ लगा वो दिन आएगा ना बेटा, ये पकड़ ले। नहीं नहीं देना आंटी, मेरे को डर लगता है। मैं देखती हूँ प्यार से, देख छोटा वाला तो है, पकड़। कितना लोगे फोटो वीडियो का, कितनी देर? अरे 5-6 फोटो ले, 2-3 ले, आपका इच्छा ले पकड़। वीडियो निकालो? हाँ वीडियो निकालो। अच्छा एक सेकंड। ओके तो ये देखो कितना क्यूट है, थोड़ा बातचीत करो, शांत है ना, बातचीत करो थोड़ा। इस साइड मंदिर का भी आएगा। बहुत क्यूट है ये, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसके साथ। क्या नाम है जी? तू भी लोड़ी आई है? लोड़ी ना आई क्या? रिवाली भी भाई ये आओ बेटा। इसका नाम क्या है? सुंदरू है बेटा। सुंदरू बहुत सुंदर है। सुंदरू है, सुंदरू। ये देखो कितना क्यूट है, बहुत मस्त है। बहुत मस्त लगे हमें, कोई इसको रखने का वरी नहीं कर रहा है। मंदिर भी आएगा ना बेटा, एक सेकंड आंटी। ओके तो मैं ऊपर तो नहीं गई, मैं अर्ली मॉर्निंग आऊंगी ना तो ऊपर जाऊंगी फिर। अभी फिलहाल तो मैं नीचे जा रही हूँ। एक तो रह गई आंटी, एक तो रह गई मैंने, अब सबके साथ नहीं कर सकते। सबके साथ बट ना कहना, देखो नहीं अभी इतने पैसे नहीं है मेरे पास। देखो एक तो रह गई, नहीं अभी किया सॉरी। देखो ये देखो कितना अच्छा है। अच्छा देखो सॉरी आंटी, अभी बाय, मैं कल परसों वापस आऊंगी ना फिर। बाय बाबू। क्या नाम है इसका? इसका नाम नूरी। हाँ नूरी, नूरी। बाय बाबू।
बहुत बहुत क्यूट है यहाँ पे। एक्चुअली पता है इनका अर्निंग का थोड़ा तरीका अलग है, बट एक्चुअली एटलीस्ट वो लोग ना मतलब एनिमल्स को हार्म नहीं कर रहे, बट जो ये याक का कर रहा है ना मुझे वो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो याक पे मतलब जानवर पे दूसरे लोगों को बिठाते और फिर उसके नाक में और रोप डाल के उसको खींच के पकड़ा। नहीं थैंक यू, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। बाकी ये मुझे अच्छा लगा क्योंकि वो उसको पकड़ के रखे है, संभाल के रखे है, क्योंकि उससे अर्निंग है। ये इतना अच्छा बजा रहे हैं, अभी अच्छा लगा। तो अभी ना वहाँ पे वो आंटी को प्रॉमिस किया ना, तो वहाँ पे निकाल लेते एक दो फोटो, नहीं तो फिर वो आंटी को बुरा लग जाएगा। ओके तो ये देखो दोनों बनीज है, और कितने क्यूट, इतने सॉफ्ट, इतने मस्त लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इनको पकड़ के, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है इसका? चिंकू इसका, और इसका इसका क्या? रिंकू। चिंकू और रिंकू नाम है, बहुत क्यूट है। इनके आईज देखो कितने सुंदर है, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसे बनी हाथ में लिया। इनको आप संभालते हो ना, और बुढ़े हो जाते तो संभाल के रखते हो ना? संभाल के रखते हैं। देते नहीं हो ना किसी को? नहीं देते। पक्का ना? हाँ बेटा। अच्छा, बहुत अच्छे लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है, पता ही नहीं अंदर कितना अंदर है। नहीं वो बोले क्या आएंगे, मैं आई ना, नहीं आएंगे, नहीं आते बेटा, आएंगे नहीं आते। ओके तो बहुत क्यूट है, तो अभी मैं इनको दे रही हूँ आंटी को, जा रही हूँ। रिंकू और चिंकू बहुत क्यूट लग रहा है, ये लीजिए आंटी, आराम से उठाओ, आएगा आएगा, मत टेंशन लो, मैं आई ना। पूरे बाल बाल हो गए लेकिन बहुत मस्त लग रहे हैं, मेरे साइज का रहेगा लेकिन। क्या बात कर रहे हैं? ओके तो ये आंटी एक सेकंड दिखाइए, ये ऐसे फोटोज है कपड़े पे, तो मैं सोच रही हूँ ट्राई करूँ पहनूंगी कहाँ पे। बहुत कुछ है यहाँ पे और काफी अच्छा लग रहा है मुझे, मजा आ रहा है। 20-30 रुपीज ऐसे लेते हैं, तो मैंने जो दो बनीज लिए थे तो दो बनीज के उन्होंने टोटल 40 रुपीज लिए मुझसे, और या अच्छा लगा मुझे। मुझे हंसी भी आ रही है और काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरी मम्मी ने ना मुझे बोला था कि ऐसे ड्रेस पहनना, बट आई वॉज नॉट श्योर कि यहाँ पर मिलेगा, बट मिल गया। आप लोग कमेंट करके बताना कि अच्छा लग रहा है क्या ये। हाँ जा इधर आ जा, क्या बहुत अलग लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है मुझे। वो आंटी वापस बाहर चलेगा, कौन निकालेगा मेरा फोटो? जुगाड़ कर रही हूँ, यहाँ पे लगा रही हूँ ये मेरा बैग, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ अपना ट्राईपॉड, एंड आई होप मेरा ट्राईपॉड गिरे ना और मेरा वीडियो अच्छा। तो अभी ड्रेस निकालती हूँ, काफी अच्छा लगा, एक रील भी बनाई, कुछ पिक्स वगैरह लिए, तो अच्छा लगा मुझे। गाइज अगर आप लोग भी ऐसे ना कहीं विजिट करते हो ना टूरिस्ट प्लेस पे,
तो जो लोकल्स होते हैं और वो जो भी मतलब कुछ बेच रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो आप लोग भी ऐसे कुछ करो, क्योंकि रोज रोज तो आने को नहीं मिलता, रोज रोज तो हम लोग पहनते नहीं ऐसे ड्रेस, तो अच्छा लगता है और उनको भी काफी हेल्प हो जाती है लोकल्स को। तो या ये वो आंटी है, इनके पास में मैंने ड्रेस लिया है, काफी अच्छे अच्छे ड्रेसेस हैं और प्राइस भी बहुत अच्छा लगाते हैं। और ये आंटी है और वो दीदी है, उनके पास में मैंने खरगोश लिए, बहुत अच्छे है। तो यार आप लोग भी आओगे तो ट्राई करो, निकालो, बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस है, मजा आया मुझे। अच्छा तो जाने के लिए जगह नहीं है, आज अभी लग रहा है कि हाँ मैं ट्रिप पे आई हूँ करके। चलो जल्दी जल्दी ये निकालते हैं, आंटी को दे देते हैं। थैंक यू आंटी, क्या नाम है आपका? मीना। ओके, तो जैसे आप मेन गेट से एंट्री करोगे ना हडिम्बा टेम्पल पे, तो स्टार्टिंग में इनका शॉप है, तो जरूर आइए और यहाँ से अलग अलग ड्रेसेस ट्राई कीजिए, ज्वेलरी के साथ में काफी अफोर्डेबल प्राइस में। देखो ये बब्बू कितना क्यूट है, इसको कब से आवाज दे रही हूँ, आ ही नहीं रहा था मेरे पास, मैं आ ही नहीं रहा था, अब भी खुद से आया और फिर बैठ गया पास में, कितना क्यूट है। दे रही हूँ खाने को, दे रही हूँ अभी। एक्चुअली यहाँ पे कुछ बिस्किट्स वगैरह है नहीं, तो मैं इसको ये पापड़ खिला रही हूँ, इधर ज्यादा ऑयली नहीं है, ये पापड़ अच्छे लग रहे इसको। ओके, तो मैं काफी ऊपर से उतरते उतरते नीचे जा रही हूँ मॉल रोड की तरफ। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि ऑटो पकड़ूं, लेकिन ऑटो 100 रुपीज़ बोल रहा था, मैंने सोचा कि मैं उतर जाती हूँ और उसके बाद में फिर चढ़ने के टाइम पे, क्योंकि चढ़ने को होगा नहीं इतना मुझसे, तो चढ़ने के टाइम पे फिर मैं ऑटो कर लूँगी। तो अच्छा लग रहा है, एक पानी की बोतल रख लिया हाथ में और बस चले जा रही हूँ, और काफ़ी अलग एक्सपीरियंस है। आई नो ये वीडियो देखने के बाद में बहुत लोगों को हंसी भी आएगी कि इतने में थक गई है ना ऑल, बट यार मेरे लिए काफ़ी अलग और नया एक्सपीरियंस है, फर्स्ट टाइम ऐसे हो रहा है मेरे साथ में, मतलब मैं ऐसे कुछ कर रही हूँ, तो हाँ मेरे लिए डिफरेंट है, बट काफ़ी एंजॉय कर रही हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे। होपफुली ये ट्रिप अच्छा जाए मेरा, अभी तक तो अच्छा ही जा रहा है, आगे भी देखते अच्छा ही जाएगा, पूछना पड़ेगा किसी को रास्ता। भैया मॉल रोड के लिए यहाँ से, यहाँ से, थैंक यू। ओके थैंक यू। अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम कहीं जाते हो ना, तो हाँ रास्ता भटकने से अच्छा है कि आप लोग कहीं पूछ लो किसी को, तो वो हमेशा अच्छा है। आप लोग भी कमेंट करके बताओ कि अभी तक का वीडियो कैसा लगा, और आप लोग ने कभी सोलो ट्रिप किया है या नहीं वो भी मुझे बताओ, अगर किया है तो मुझे वो भी बताओ कि कहाँ कहाँ किया है और आपका एक्सपीरियंस कैसा था सोलो ट्रिप का। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आप मतलब कितने लोग सोलो ट्रिप पे जाते हैं या जाना पसंद करते हैं। ओके, तो फाइनली मॉल रोड पे पहुंच गई हूँ मैं, मनाली के मॉल रोड पे, आपको यहाँ से दिखाती हूँ। मतलब जो चीज़ मैंने यूट्यूब पे दूसरे ब्लॉगर्स के वीडियोस में देख रही थी अभी तक, जी ये है पीछे मेरे पूरा मॉल रोड है और ऊपर हडिम्बा टेम्पल जाने का रास्ता है, जो मैं दूसरों के ब्लॉग्स में देखती थी, आज मैं वहाँ पे खड़ी हूँ। स्टार्टिंग अच्छा है मेरा सोलो ट्रिप का और ब्लॉगिंग का, तो देखते आगे आगे कैसा होता है। फिलहाल मॉल रोड पे दिखाती हूँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़ों की शॉप्स हैं, बहुत सारे फूड स्टॉल्स दिख रहे हैं मुझे, देखते हैं कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। यहाँ से स्टार्टिंग है, कपड़ों की वगैरह दुकानें हैं, बहुत कुछ है वहाँ पे, स्टॉल्स वगैरह मिल रहा है उस तरफ में, यहाँ पे थोड़ा खाने पीने की चीज़ें हैं। ओके, तो जूस पी लिया, एक्चुअली मैंने मिल्क शेक ही पी लिया था। यहाँ पे स्वेटर्स काफ़ी अच्छे हैं। मैं बहुत ज़्यादा कपड़े लेके आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें लेके आई हूँ, और मेरा लगेज नहीं बढ़ाना चाहती, लेकिन मेरा दिल बहुत ज़्यादा ललचा रहा है यहाँ पे चीज़ें खरीदने के लिए। काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़ा मार्केट है, मज़ा आ रहा है। मतलब मैं लोगों को देखती थी यहाँ पर वीडियोज़ में, और अभी मैं खुद यहाँ पे हूँ, वो भी सोलो ट्रिप पे, तो या आई एम एन्जॉइंग माई सोलो ट्रिप, आई एम एन्जॉइंग माई कंपनी,
खुद की कंपनी एंजॉय कर रही हूँ। तो चलो देखते हैं, लोग मुझे देख रहे हैं और पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे, आप लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ओके गाइस, सनसेट देखो यार, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत सुंदर है ना। पूरी बर्फ जमी है पहाड़ पर और वहाँ पे ऐसे आसमान उसके ऊपर, और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत इधर ऐसे देखने में ना आंखों से बहुत अच्छा लग रहा है, कैमरा में इतना अच्छे से नहीं लग रहा है, बट ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। ओके तो फाइनली अभी मैं घर पर पहुंच गया, सॉरी मतलब मैं मेरे होटल में पहुंच गई हूँ, रूम पर आ गई हूँ, घर ही है मतलब अभी कुछ दिनों के लिए मेरा ये फ़िलहाल। तो यहाँ पर पहुंच गई हूँ अभी। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया तो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सजेशंस बताइए, और या चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर वीडियो। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।